हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एसजी टेक्निकल्स में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लाईफाई के बारे में, जिसे हम बोलते हैं लाइट फिडेलिटी। तो क्या है लाईफाई, कैसे वर्क करता है लाईफाई और क्या क्या बेनिफिट्स हैं लाईफाई के, वो सारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाईफाई, इसे हम बोलते हैं लाइट फिडेलिटी। ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जैसे वाईफाई में हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं रेडियो सिग्नल्स की हेल्प से, ऐसे ही लाईफाई में हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन लाइट की हेल्प से। ये जो कंसेप्ट है वो हैरल्ड हैस ने इंट्रोड्यूस करा था 2011 में अपनी टेड ग्लोबल टॉक में। लाईफाई की जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है VLC के कंसेप्ट पे, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। LED लाइट या LED बल्ब हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो जब उसको ऑन करेंगे तो उसी की हेल्प से हमें इंटरनेट मिलेगा अपने मोबाइल फ़ोन्स या फिर अपने कंप्यूटर्स में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो लाईफाई टेक्नोलॉजी है वो वर्क कैसे करती है। लाईफाई टेक्नोलॉजी में हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं लाइट की हेल्प से। लाइट में LED बल्ब या फिर LED लाइट को यूज़ करते हैं। जब उसको ऑन करते हैं तो वो लाइट एमिट करता है, और उसकी जो लाइट है उसको की ब्राइटनेस को अगर हम कंटिन्यूस चेंज करें तो एक सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो है इसमें जो इंटरनेट है वो लैम्प ड्राइवर तक आ रहा है। उसके बाद लैम्प ड्राइवर कंटिन्यूस चेंज कर रहा है ब्राइटनेस को, और जब वो LED लैम्प लाइट एमिट करेगा तो हमारे पास राउटर्स होंगे जो उस डेटा को रिसीव करेंगे, इंटरनेट को रिसीव करेंगे और प्रोवाइड करेंगे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में या फिर हमारे लैपटॉप्स में। अब जो ये लाईफाई का कंसेप्ट है, इसमें जो डेटा स्पीड है वो वाईफाई से बहुत ज़्यादा है। हमारे रिसर्चर्स ने इसकी जो स्पीड निकाली है वो निकाली है 224 GB पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में आप 224 GB का इंटरनेट रिसीव कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में या फिर अपने लैपटॉप्स में। साथ ही साथ इसकी जो कॉस्ट है लाईफाई की वो 10 गुना कम है वाईफाई टेक्नोलॉजी से। लेकिन लाईफाई जो टेक्नोलॉजी है वो अभी अपने डेवलपमेंट फेस में है। वहीं वाईफाई की बात करते हैं, वो तो एक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है और हमें ईजिली अवेल हो रही है हमारे मोबाइल फ़ोन्स अपने कंप्यूटर्स में। लेकिन हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में वाईफाई टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेगी लाईफाई टेक्नोलॉजी और ईजिली अवेलेबल होगी हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे कंप्यूटर्स, और इवन हमें यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स में। हमें लाइट के साथ साथ इंटरनेट भी मिल जाएगा। लाईफाई के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। अगर हम बात करते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी की, तो हम यूज़ करते हैं रेडियो सिग्नल्स का डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। साथ ही उससे जो रेडिएशन निकलती हैं वो बहुत कम होती हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन को हार्म करती है। लेकिन जब लाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उस समय कोई भी रेडिएशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ लाईफाई टेक्नोलॉजी को हम अंडर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वाईफाई टेक्नोलॉजी को अंडर वाटर यूज़ नहीं कर सकते। और बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे हमारा वाईफाई यूज़ करना मुश्किल होता है, जैसे कि कोल माइनिंग, पेट्रोलियम माइनिंग, उधर हम यूज़ कर सकते हैं लाईफाई टेक्नोलॉजी का। साथ ही साथ अगर आप एक रूम में बैठे हैं और लाईफाई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। बाहर बैठा कोई भी उस रूम का आपकी लाईफाई टेक्नोलॉजी को हैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप एक वाईफाई सिग्नल यूज़ करते हैं और काम करते हैं तो आपके वाईफाई सिग्नल को हैक करा जा सकता है। वाईफाई टेक्नोलॉजी में जब आप एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल्स में जाते हैं तो आपको पहला वाला वाईफाई का सिग्नल ब्रेक करना पड़ता है, तब आप अपने दूसरे वाईफाई सिग्नल से कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन जब लाईफाई टेक्नोलॉजी में आप एक LED लाइट से डेटा रिसीव कर रहे होते हैं, तो आप जब दूसरी LED लाइट में एंटर करते हैं तो आप उससे डेटा रिसीव करने लगते हैं। आपका जो डेटा है वो ब्रेक नहीं होता और आपको कंटिन्यूस डेटा मिलता रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लाईफाई टेक्नोलॉजी है वो ब्राइट रूम में या फिर सनलाइट में वर्क नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, लाईफाई टेक्नोलॉजी सेम काम करेगी सनलाइट में भी और ब्राइट रूम में भी, क्योंकि जो लाईफाई टेक्नोलॉजी में जो LED लाइट एमिट कर रहा है उसकी ब्राइटनेस हर वक्त चेंज हो रही है और रिसीवर उसी लाइट को रिसीव करता है तभी उसमें डेटा आता है। लेकिन जो सनलाइट है या फिर ब्राइट रूम है उसमें मिलती है कांस्टेंट लाइट, तो उसमें जो ब्राइटनेस चेंज नहीं होती तो रिसीवर उसको रिसीव करेगा ही नहीं, वो रिसीव करेगा सिर्फ जो ब्राइटनेस चेंज होती है कंटिन्यूस। तो इस तरह लाईफाई टेक्नोलॉजी ब्राइट रूम में भी काम करेगी और सनलाइट में भी।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, कमेंट भी करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।